सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। बेटा आपको ये भी पता है कि आपके हिंदी के दो रिवीजन टेस्ट हो चुके हैं और अब एक और रिवीजन टेस्ट है नेक्स्ट थर्सडे को, राइट? बेटा हम लोग काफ़ी सारे विषयों की रिवीजन कर चुके हैं और आज हम जो टॉपिक रिवाइज करेंगे वो है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब है सीन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपकी जो वटवृक्ष बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसे आपने सॉल्व करना होता है, राइट? और बेटा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है बेटा कि आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं लिखना है, वन वर्ड आंसर नहीं लिखना। आप पूरा आंसर जो है वो पूरी लाइन में लिखेंगे, राइट? दूसरी बात यह है बेटा, कई बार हमने चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, हम उसका आंसर बड़ा जनरल सा लिख देते हैं, हमें पता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होना चाहिए और हम उसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से गद्यांश पढ़कर फिर उसका उत्तर लिखना है, राइट? और बेटा तीसरी बात यह है कि कई बार हम ज्यों की त्यों लाइन उतार देते हैं, प्रश्न कुछ और तरीके से पूछा है, उत्तर हमें अगर सीधा सीधा वहां से मिल गया, हमें पता चला कि इसमें वो वर्ड्स लिखे हुए हैं और हम एज इट इज लिख देते हैं। कई बार तो बेटा एज इट इज लाइन लिखी जाती है उत्तर की, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तब हमें अपने वर्ड्स में उस लाइन को लिखना होता है, राइट? आज हम आपकी बुक के पेज नंबर 84 पर एक गद्यांश दिया गया है उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप अपने साथ अपनी कॉपीज और बुक्स निकाल लीजिए, वट वृक्ष पुस्तक निकाल लें, उसका पेज नंबर 84 है, उसमें एक लास्ट पैराग्राफ दिया है, मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ फिर क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पैरा है, अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आपको स्वयं भी बोलते समय करना चाहिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके, राइट? अब बेटा इसमें से हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी भाषा अच्छी क्यों होनी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी भाषा अच्छी क्यों होनी चाहिए? अब इसका आंसर ढूंढेंगे हम। आंसर ढूंढने के लिए बेटा हमें दोबारा से पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होने चाहिए। अब देखो यहां पर हमें इसका आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन है आपकी भाषा अच्छी क्यों होनी चाहिए? अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कई बार तो हम एज इट इज ही आंसर लिख लेते हैं, लेकिन कई बार हमें वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। अब इसमें एक शब्द का प्रयोग है भी, हम वो भी शब्द नहीं लिखेंगे। प्रश्न है आपकी भाषा अच्छी क्यों होनी चाहिए, आंसर हमें मिल गया, पर हम आंसर लिखेंगे कैसे? आपकी भाषा अच्छी बातचीत के लिए अच्छी होनी चाहिए, राइट? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छी भाषा के लिए क्या आवश्यक है? अच्छी भाषा के लिए
क्या आवश्यक है। अब हम आगे पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अब आप यहां पर और से आंसर शुरू नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है अच्छी भाषा के लिए क्या आवश्यक है, आप आंसर लिखेंगे अच्छी भाषा के लिए आवश्यक है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अब इसमें आप अगर आप शब्द ना भी लगाएं तो भी चलेगा। अच्छी भाषा के लिए आवश्यक है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी बात कैसी लगनी चाहिए, आपकी बात कैसी लगनी चाहिए। अब बेटा हमें एक और बात का ध्यान रखना है, जब हम पठित गद्यांश हल करते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट लाइन में फर्स्ट आंसर मिल जाए, सेकंड लाइन में सेकंड आंसर मिल जाए, थर्ड लाइन में थर्ड आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता, राइट? आपको पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया, आपकी बात कैसी लगनी चाहिए। अब हमने जहां तक पैराग्राफ पढ़ लिया उसके आगे से शुरू करते हैं। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए, और उन शब्दों का प्रयोग आपको स्वयं भी बोलते समय करना चाहिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। अब बेटा पीछे वाली लाइन के साथ जरूरी नहीं है आपका क्वेश्चन रिलेट करे, बीच में से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है आपकी बात कैसी लगनी चाहिए, ठीक है? तो इस एक लाइन के आधे हिस्से में इसका आंसर है। आपकी बात कैसी लगनी चाहिए, आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। अब आप पीछे वाली लाइन इसके साथ नहीं लिखेंगे, जितना पूछा है उतना ही। और इस बात का ध्यान रखेंगे इसका आंसर सिर्फ आप ऐसे नहीं लिखेंगे सहज और स्वाभाविक, नो, आप पूरा आंसर लिखेंगे आपकी बात सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें किस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें किस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके, राइट? अब हमारे पास क्वेश्चन है हमें किस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके, राइट? थोड़ा सा हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, हमें किसे ध्यान से सुनना चाहिए, हमें किसे ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखो अब हमें इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट इसका आंसर नहीं मिल रहा, हम फिर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमें किसे ध्यान से सुनना चाहिए, आंसर क्या लिखेंगे। बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, इस तरह से बेटा आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स पैराग्राफ ध्यान से पढ़कर आप ढूंढेंगे और ध्यान से लिखेंगे, फिर
फिर से मैं कह रही हूँ, वन वर्ड या टू थ्री वर्ड्स में आपने आंसर नहीं लिखना है, पूरी लाइन में आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप खुद भी बेटा जो आपके सिलेबस में पार्ट हैं उनमें से आप गद्यांश के क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा।